हाय फ्रेंड, रीमा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैगन भरवा। भरवा बैगन बनाने के लिए मैं ये देखिए बैगन अच्छे से धोकर और इसको बीच से कट करके रखी हूँ। देखिए भरवा बैगन बनाने के ऐसे इसको कट करना होता है, ठीक है। तो फिर अब मैं देखिए सारे बैगन को मैंने इस तरह कट करके रख लिया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे आप अपने घर पे जरूर बनाइए। ये देखिए अब मैं बनाने जा रही हूँ। ये मैंने गैस ऑन किया। गैस ऑन करने के बाद अब मैं कढ़ाई में ऑयल डाल चुकी हूँ। गर्म हो चुकी है मेरी ये कढ़ाई। अब इसमें ये बैगन मैं डालूंगी। अब इसको मैं फ्राई करूंगी। हल्का हल्का इसको फ्राई करना, ज्यादा नहीं। ज्यादा फ्राई करने से फिर ये नीचे के जो छिलके इससे जल जाएंगे, फिर उससे आपका टेस्ट खराब हो सकता है। इसलिए इसको बिल्कुल लाइटली फ्राई करना, डीप नहीं। ओके फ्रेंड, देखिए फ्रेंड ये मेरे बैगन जो है इसको मैं ऐसे पलट पलट के हल्का लाइट फ्राई कर ली। अब मेरे बैगन लगभग फ्राई हो चुके हैं। बैगन फ्राई करने के बाद, ये बैगन फ्राई कर रही थी तब तक मैं इधर देखिए ये टमाटर और प्याज हरी मिर्च ये सबको आप चाहे तो मिक्सर में पीस भी सकते हैं। अगर मिक्सर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैं रेडी करके रखी हूँ। अब ये बैगन फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको निकालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसको निकाल रही हूँ क्योंकि ये मेरा फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं तेल डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड अभी मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ। अब इसको मैं थोड़ी देर गर्म होने दूंगी। कढ़ाई तो मेरी ऑलरेडी पहले से गर्म है तो तेल गर्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। अब मैं उसमें ये जो टमाटो प्यूरी और प्याज पीस कर सब रखी थी वो डाल दी। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करके मिला देंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा 5 मिनट तक भून लेती हूँ जब तक ये ब्राउन हल्का ना हो। ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड अभी मैं इसको भून रही हूँ। इसको थोड़ा सा वक्त देना ही पड़ता है क्योंकि यदि अगर ये नहीं भुना ढंग से तो फिर आपका टेस्ट सही नहीं होगा। इसलिए इसको मैं अच्छे से जब तक ब्राउन ना हो तब तक भूनती रहूँगी। और ये देखिए मैं जब तक इधर भून रही थी तब तक मैं इधर ये लहसुन दिख रहा है, लहसुन का 4-5 कली, थोड़े से ये मूंगफली है जिसकी मैं पाउडर बनाकर रखी हूँ, ये काली मिर्च है और ये जीरा है। तो इसमें फिर आपके पास अगर पाउडर मसाले हैं तो ठीक है। इसमें थोड़ा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा का, मिर्ची का और ये जो मैं ये 4 चीज़ रखी हूँ बस इसको मिक्स कर देना है मसाले तैयार करने के लिए। मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगी, ये डालना वो डालना, ये बहुत ही कम सामान में और बहुत ही टेस्टी आप अपने घर में बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड ये काफ़ी अच्छे से अब भून चुका है। अब मैं इसमें ये सारे मसाले जो सब्जी में डालते हैं, पाव भाजी मसाले भी मैं इसमें ऐड की हूँ उसके अलावा, ये सब डाल दूंगी। इसमें वही सारे मसाले हैं जो अदर सब्जी में यूज करते हैं, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं करना। बस इसमें एक पाव भाजी मसाले है इसका इस्तेमाल करना है आपको। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन होने दूंगी। ये देखिए भरवा बैगन बनाने के लिए मेरे मसाले तैयार हो रहे हैं। अब इसमें मैं थोड़ा नमक डालूंगी। ये देखिए मैं इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार आप ऐड करें, मैं नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक का क्वांटिटी बताना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि नमक जो है कुछ लोग कुछ कम खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा, कुछ लोग थोड़ा मीडियम। तो नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब इसको मैं भूनूंगी।
देखिए मेरे मसाले भून रहे हैं। अब इसमें से जब तेल छोड़ना शुरू करेगा तो आप समझ जाना आपका मसाला भून के रेडी हो चुका। ये देखिए फ्रेंड, ये बैंगन जो है जो भूनकर मैं रखी थी, इसमें इसके अंदर मैं नमक लगा दी हूँ। इसमें नमक लगाने से होता है क्या है ना, अंदर आपका नमक जो है अच्छे से चॉप करेगा, तो फिर कभी कभी होता है अंदर नमक एडजस्ट नहीं होने के कारण हलवा बैंगन टेस्टी नहीं लगता। इसलिए इसके अंदर हमेशा नमक आप ज़रूर डालें, और अगर आप अपने हाथों से डाल सकते हैं तो हाथों से, स्पून का यूज़ करना तो स्पून का कीजिए, लेकिन स्पून से हो सकता है कि ढंग से अंदर नमक ना जाए, इसलिए मैं इसके अंदर अपने हाथों से ऐसे करके नमक का पूरा देखिए लगा चुकी हूँ। इसमें भी लगाई हूँ जिससे मेरे बैगन में अच्छे से नमक घुस जाएगा। और ये देखिए मेरा मसाला यहाँ रेडी हो रहा है, मैं इसको भून रही हूँ, थोड़े से और भुनेंगे ये। ये देखिए फ्रेंड मेरे मसाले भुन रहे हैं, जब ये हल्का भुन जाए तो फिर इसमें जो मैं मूंगफली के पाउडर रखी हूँ उसको ऐड करूँगी। ये जो मैं पहले आपको दिखाई थी कि मेरे मूंगफली के ये दाने हैं जिसको इसमें कुछ डालना है, मैं पाउडर बना के रखी हूँ। पाउडर बिल्कुल नहीं, हल्का दरदरा होना चाहिए। ये देखिए अब इसको इसमें ऐड कर दी, अब इसको 2 मिनट और भूनूंगी, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट और भून के फिर इसको निकालूंगी। ये देखिए फ्रेंड मेरे मसाले जो हैं अभी 1 मिनट और बचे हुए हैं, इसको मैं 1 मिनट और भूनूंगी। भुन रहे हैं मेरे मसाले, ये देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत कलर आए हैं मेरे मसाले के। अभी ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैं थोड़े से गरम मसाला इस्तेमाल करने जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे मसाले लगभग भून चुके हैं तो अब मैं इसको डाल सकती हूँ। मेरे मसाले से अब तेल छोड़ना शुरू हो गया है, ये मसाला तैयार होने का पहचान होता है। आपके मसाले से यदि तेल छूटने लगे तो आप समझ जाओ कि आपके मसाले जो है वो भूनकर रेडी हैं। ये देखिए फ्रेंड, अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी क्योंकि मेरे मसाले जो है वो भून चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, ठंडा होने के बाद मैं बैगन को जो फ्राई करके रखी हूँ ये देखिए, और इसको बीच से कटअप करके रखी हूँ, इसमें इस मसाले को भरूंगी। अभी थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद भरूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बैगन जो फ्राई करके रखी थी उसमें मसाले को काफ़ी अच्छे से भर चुकी हूँ। ये देखिए ऐसे करके बैगन के अंदर सारे मसाले को भर देंगे, ये सब मैं भर के रखी हूँ। देखिए ऐसे करके इसमें पूरे मसाले को फिलअप करके फिर इसको ऐसे चिपका देना है हाथों से, ऐसे हाथों के सहारे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बैगन भरुआ बनने वाला है ये। अब मैं उसी कढ़ाई को फिर से चढ़ा दूंगी, देखिए मैं उसी कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, दूसरे कढ़ाई का नहीं, थोड़े से इसमें फिर से तेल डालूंगी। अब इसको गर्म होने देंगे, वैसे तो मेरी कढ़ाई गर्म ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, तुरंत ये गर्म हो जाएगी। ऐसे करके मैं चेक कर लेती हूँ ये गर्म हुआ है या नहीं। ये देखिए मेरे तेल गर्म हो गया, अब इसमें जीरा डालेंगे, हाफ चम्मच, ज़्यादा नहीं। ये देखिए मेरे जीरे में चरचराहट आने लगी है, ये हल्का ब्राउन देखिए दिखने लगा। अब मैं इसमें धीरे धीरे जो बैगन में मसाले भर के रखी हूँ ये देखिए उसको डालूंगी। ये देखिए फिर से इसको एक बार फ्राई करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके मैं फ्राई कर लूंगी। और फ्रेंड्स ये जो मसाले मेरे बचे हुए हैं उसको भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी, जो भी आपके मसाले बच जाते हैं आप उसको इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं इसको सूखा ही बनाने वाली हूँ क्योंकि बैगन भरता जो है सूखा ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें उतना ही डालूंगी जितना मेरा